बहुत अच्छी लगी, वेरी एंटरटेनिंग, बहुत ही इंजॉय। But और दूसरी तरफ क्लास कॉमेडी की अगर हम लोग बात करें, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, क्योंकि अक्षय कुमार की हमें कॉमेडी मूवीज पता ही है कैसे एक से एक उन्होंने बेमिसाल रोल्स किए हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम, दे आर वंडरफुल इन द रोल्स। ओके सर, तो आपको करीना दिलजीत का जो रोल था कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, करीना कपूर और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री एक तरफ, और दिलजीत और कायरा के दोनों ही पंजाबी कपल्स बने हैं, और इट्स शोन हाउ दे गेट जजमेंटल, दे हैव प्रीकंसीव्ड नोशंस, बट टूवर्ड्स द एंड देयर इज़ अ फेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वे यू नो उनको पता चलता है कि बेबी किसी भी रूप में आए, चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या नेचुरल बेबी हो या एडॉप्शन से हो, सोशल मैसेज यही है कि इट्स द बेबी, द अनकंडीशनल लव दैट यू गिव टू द बेबी दैट मैटर्स। सर आपको कितना लगता है कि बॉक्स ऑफिस में धमाल कर दी? बहुत धमाल करेगी, क्योंकि इतनी एंटरटेनिंग मूवी है, एंड ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और कमाल करेगी। सर तो लगता है आपको अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ देगी? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो 5 आफ्टर कितने स्टार्स? 4.5 आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5, एंड यू मस्ट इमेजिन कि हाउ एंटरटेनिंग इट इज दैट आई एम गिविंग 4.5 स्टार्स टू अ मूवी। थैंक यू।